नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रुतिका। हैदरपोरा एनकाउंटर की बात करें तो लगातार उसके बाद विवाद चलता नजर आ रहा है। ये कहा गया था, ये जानकारी मिली थी कि दो आतंकवादियों के साथ क्रॉस फायरिंग में एक डेंटल सर्जन की भी मौत हो चुकी है और साथ ही साथ उस व्यक्ति की जिसने आतंकवादियों को अपने घर पे पनाह दी हुई थी, यानी कि शेल्टर दी हुई थी, उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि इस एनकाउंटर में लगभग चार लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद से लगातार उनके परिजनों की ओर से कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी नहीं थे बल्कि वो एक शरीफ थे, और जिनमें एक बताया जा रहा है कि ये कश्मीर का आतंकवादी था, यानी कि कश्मीर में रहने वाला आतंकवादी था। उनके परिजनों की ओर से कहा जा रहा है कि जो मुदस्सिर यानी कि जो डेंटल सर्जन है वो उनके क्लिनिक में काम करता था, ना कि वो एक आतंकी था। और एक को बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान का आतंकी है, लेकिन परिजनों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है वो आतंकवादी नहीं बल्कि वो शरीफ है। और इस बात को लेकर जानकारी जो है वो ली जाए, इस बात को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। कुछ उनका कहना है कि शरीफ बच्चों को जो है वो आतंकवादी करार करके ये फर्जी मुठभेड़ जो है, यानी कि ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है जिसमें साफ तौर से जाने जो है वो चली गई हैं। और आप लोगों को इस बात की मैंने जानकारी दी थी क्योंकि पुलिस के हवाले से ये जानकारी आई थी कि लगभग चार लोगों की मौत जो है वो हो गई है, जिसमें बताया गया था दो आतंकवादी है, एक कश्मीर का रहने वाला है, एक पाकिस्तानी आतंकी है, और साथ ही साथ जो है क्रॉस फायरिंग में एक डेंटल सर्जन भी था और एक वो व्यक्ति था जिसने उन लोगों को अपने घर में पनाह दी हुई थी। इस बीच में जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी छिड़ गई है और साफ तौर से मांग की जा रही है कि इस बात की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए क्योंकि वो शरीफ थे ना कि वो आतंकवादी थे। और अगर मैं महबूबा मुफ्ती की बात करूं तो आप लोग जानते ही हैं कि कल उन्होंने अपने जम्मू के पार्टी कार्यालय के बाहर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया और उनका ये कहना है कि अमित शाह होश में आए और प्रधानमंत्री के लिए कहा कि आप भी होश में आए। तो इस चीज़ को लेकर जो है महबूबा मुफ्ती लगातार अपनी आवाज़ उठा रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती हमेशा विवाद भरा जो है अपना बयान देती है। तो इस बीच में ये बात सोचने वाली है, हालांकि ये जो इन्वेस्टिगेशन की बात है यानी कि हैदरपोरा एनकाउंटर की बात है वो एक अलग मसला है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने कब कहा है कि आम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन जब आतंकवादियों द्वारा सिविलियंस की किलिंग की जाती है कश्मीर में तब महबूबा मुफ्ती क्यों जो है वो इस बारे में कोई ट्वीट नहीं करती, क्यों महबूबा मुफ्ती जो है वो इस बारे में कोई भी अपना दुख प्रकट नहीं करती। लेकिन अगर पुलिस द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके कहा जा रहा है, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लेकिन जब साफ तौर से पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी जहां पर सिविलियंस की किलिंग हो रही थी तब महबूबा मुफ्ती कहां थी, अब तो साफ तौर से उनके ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी लाल चौक में जो है उनके परिजनों द्वारा यानी कि शव मांगने के लिए उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, इस चीज़ को लेकर वहाँ पर लगातार वो मांग कर रही हैं। और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की ओर से कुछ लोगों ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को जम्मू से कश्मीर जाने के बाद जो है घर पे नज़रबंद कर दिया गया है। लाल चौक में जो कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज़ किया गया था उस कैंडल मार्च में नहीं जाने दिया, जबकि आला पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती को किसी ने भी जो है वो हाउस अरेस्ट नहीं किया, महबूबा मुफ्ती इस समय अपने घर पर हैं और उनको नज़रबंद नहीं किया गया है। यानी कि एक सिंपथी कार्ड प्ले करने के लिए उनके पार्टी के कुछ लोगों ने बोल दिया कि उन्हें घर पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनको लाल चौक में जो कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया गया है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो साफ तौर से ये एक सिंपथी कार्ड जो है वो प्ले किया जा रहा है। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ है इस बारे में कोई भी एक स्टेटमेंट इस समय जाहिर नहीं हो रही है। कभी कहा जा रहा है जो डेंटल सर्जन की और जो उस घर में रहते थे यानी कि जिन्होंने उन दोनों को पनाह दी हुई थी, जिनको आतंकवादी करार किया है उनको घर पे पनाह दी हुई थी, कहना है कहा जा रहा है कि क्रॉस फायरिंग में उनकी मौत होगी, बाद में कहा जा रहा है कि आतंकवादियों की गोली से उनकी मौत होगी। यानी कि इस चीज़ को लेकर एक स्टेटमेंट नहीं हो रही है और ये एनकाउंटर जो है एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो चुका है। और जो परिजन कल मांग कर रहे थे यानी कि एक जो डेंटल सर्जन है उनकी बीवी भी कल कैंडल मार्च में शामिल हुई, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और उनका ये बार बार ये कहना था कि मुझे मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी देख लो, मुझे एक आखिरी बारी जो है उनको देखना है। लेकिन परिजनों को डेड बॉडी सौंपी नहीं गई, कहा गया कुछ सिक्योरिटी के बेसिस पे, यानी कि कुछ सिक्योरिटी के पर्पस रहते हैं, उस वजह से उनकी बॉडी को पुलिस अधिकारियों ने ही दफना दिया। उनके परिजनों को जो है इस बारे में जो है वो कोई जानकारी नहीं दी गई थी और उनकी बॉडी को दफना दी गया, परिवार वालों को उनकी बॉडी जो है वो नहीं दी थी। और साफ तौर से इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि ये एक
जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर साफ तौर से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। और रही बात महबूबा मुफ्ती की, तो वो कभी जम्मू कश्मीर के हित के लिए कभी भी कोई भी फैसला नहीं लेती है, कभी भी दुख जो है वो प्रकट नहीं करती है। तो ये इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो साफ तौर से होनी चाहिए, ताकि एक स्टेटमेंट निकल कर आए कि क्या वो आतंकवादी थे या वो एक आम इंसान थे, क्या ये इनकाउंटर फर्जी था, क्या ये इनकाउंटर सच था, इस बारे में जांच जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा, और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।